हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 4:30 बज गए हैं। उठी तो हूँ मैं 4 बजे की, बट वही है, उठते ही कैमरा तो नहीं पकड़ लेंगे। मैं उठी, फिर मैंने अपना हाइजीन रूटीन कम्प्लीट किया, ब्रश वगैरह किया, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं लॉक वगैरह ओपन कर रही हूँ यहाँ के, एंड अभी मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ क्योंकि सुबह 4 बजे कोई नहीं उठा होता है हमारे यहाँ। आप मोहल्ले में देख सकते हो इतना ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी नहीं उठा है और मैं उठ चुकी हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि इतनी जल्दी क्यों, एक्चुअली मम्मी जी है नहीं तो मुझे मम्मी जी के हिस्से का भी काम करना है। मेरी सासू मोम गई हैं अपने मायके, क्यों गई हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, उनको अर्जेंटली जाना पड़ा तो वो वहीं गई हैं। और यहाँ पे ये मंदिर है तो उसका ताला खोल के और माता रानी के दर्शन करके आ गई हूँ। और यहाँ पे जो गेट है इसका भी मैंने बड़े वाले गेट का ताला खोल दिया है, और बस अब वापस आ जाऊँगी और बाहर मैं जो है पानी वगैरह डालूँगी झाड़ू लगा करके। एक्चुअली क्या है, मम्मी जी हैं नहीं तो उनके हिस्से का काम करना है, तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊंगी तो सारे काम जो है मेंटेन हो जाएंगे और मैं अपना काम भी करूंगी तो साथ ही साथ सारे काम टाइम टू टाइम हो जाएंगे। भले ही अभी सुबह है, कोई उठा नहीं है, बट रियली इतनी एनर्जी आ जाती है जब भी आप सुबह उठते हो। हमारे अगर हिंदी भाषा में सुनना चाहें तो इसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि अर्ली मॉर्निंग का ये जो टाइम होता है बड़ा ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली है और थोड़ा सा मैंने पानी में हल्दी मिलाकर और यहाँ पे पानी छिड़क दिया है, और उसके बाद फिर अंदर जाके अंदर के काम करूँगी। एंड बहुत अच्छा लग रहा है बाहर आकर के, जो भी भले ही ठंड का टाइम है, मैंने कैप भी पहनी है, स्वेटर भी पहना है, बट ठंड लगी ही नहीं रही है क्योंकि काम इतना सारा हो जाता है ना। तो बस यहाँ पर मैं घर की सफाई करने जा रही थी, मैंने सोचा चलो उसके पहले ये जो दही जम गया है, आपको पता है हमारे घर पे गाय भैंस है, तो ये जो दही जम गया है इसको मैं मशीन में लगा दूँगी ताकि इसका जो है अच्छे से फेंट करके घी निकल आए। ओके, तो एक साइड मशीन लगी है, यहाँ पर मैं आंगन में आ जाती हूँ और झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट कर दूँगी। और सारे के सारे गमले अभी नीचे रखे थे ना, इसको मैंने उठा करके ऊपर वाले हिस्से में रख दिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी और तेज़ धूप आती है, तो आजकल पौधों को धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने वहाँ पर रख दिए हैं। अभी घर में सब लोग सो रहे हैं, कोई उठा नहीं है। हाँ, पापा जी का टाइम होता है कि वो 5-5:30 बजे उठ जाते हैं, तो मैंने उनके लिए चाय रख दी है और साथ ही साथ मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ। अच्छा, आप लोगों को पता है कि मैं काम करती हूँ ना सुबह सुबह, ऐसे खाली खाली काम नहीं करती हूँ, मुझे ना कुछ सुनने को चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने अपना सुंदर कांड लगा लिया है जो भी मैं सुबह बजाती हूँ, बस उसी के साथ मैं अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए सोफ़ा वगैरह सही कर दिया है, इसको मैं उठा करके बाहर आंगन में रखाऊंगी क्योंकि पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, तो सामान ना बहुत सारा अगर नीचे डला रहेगा तो सही नहीं रहता है, तो बस फटाफट से कर लूँगी क्योंकि मुझे जल्दी से सब कुछ मुझे ही करना है। मम्मी जी बोल रही थी कि दोपहर तक आ जाएंगे, अब देखो आएंगे या शाम तक आएंगे पता नहीं है कुछ अभी। और इतना सारा काम करते करते यहाँ पे देखा तो घी ऊपर निकल आया था, तो इस मशीन को निकालने से पहले इसका प्लग वगैरह निकालूंगी और इसका घी निकाल लूँगी। एक्चुअली मैं बताऊँ, ये मैं काम करती नहीं हूँ, ये काम मम्मी जी का ही है घी वगैरह निकालना, मुझसे ना घी निकलता नहीं है पता नहीं क्यों, बट वही है, कोई नहीं है तो सीखना तो पड़ेगा। और एक साइड मैंने गर्म पानी लगा दिया है गर्म होने के लिए, तो बस यहाँ पर मैं घी निकाल लेती हूँ जल्दी से।
मैं आपसे बोला ही थी ना कि घी निकालना मुझे अच्छा नहीं लगता, मीन्स ये काम मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारा टाइम लगेगा इसमें, बट रियली जैसे ही मैं ये काम करने लगी तो बहुत अच्छा लगा। मीन्स ये देखिए कितना सारा घी निकल आया है, अभी और है इसमें तो मैं सारा का सारा निकाल लूँगी इस तरीके से। और मशीन में भी जो भी घी लगा है उसको भी मुझे अभी वाइप करना है, कुछ मैंने वाइप कर लिया कुछ करना है। अच्छा पहली बार काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा घी जो है नीचे फैल भी गया है, उसको मैं उठा करके डाल लूँगी अच्छे से अच्छे पानी में धो करके। और ये देखिए हमारा घी निकल कर आ गया है और ये हमारा जो है मट्ठा बनके तैयार हो गया है, जिसको हम छाछ भी बोलते हैं, कहीं कहीं मट्ठा बोलते हैं। तो बस ये हमारा तैयार हो गया है। तो ये सारा काम करने में क्या होता है ना, चीज़ें इधर उधर फैल जाती हैं, फिर अगर आप पोंछा लगाते हो तो सही रहता है, अगर आप पोंछा लगाने के बाद ये काम करते हो तो फिर कहीं ना कहीं चिकनाहट वगैरह जैसे मतलब वो होता है ना, सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने ये पहले ही कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो मट्ठा बनके तैयार हुआ है ये वाला बर्तन मैं अलग रख दूँगी, मशीन वगैरह अच्छे से धो करके पोंछ करके रखाऊँगी। और यहाँ पे मैं मॉपिंग लगाने लगी हूँ। अच्छा इसके पहले जो है चाय वगैरह बनके तैयार हो गई थी, मैं पापा जी को दे आई हूँ, पापा जी सामने वाले घर में रहते हैं, मैंने एक आध दो बार आपको बताया भी है, तो वहीं पर मैं देकर आई हूँ उनको, तो वो वहाँ पर अपनी चाय पियेंगे और यहाँ पर मैं अपनी सफाई कर लूँगी। और मैं अभी आपको सच बताऊं कि मैं सुबह से इतना काम कर रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, तो मुझे एकदम गर्मी सी लगी, मुझे स्वेटिंग होने लगा, तो फिर मैंने तुरंत ही कैप निकाल दी, क्योंकि मैं जब से उठी हूँ काम में लगी हूँ, मैं बिल्कुल भी बैठी नहीं हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपना मॉपिंग कर रही हूँ। एंड मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, दी आप कैसे इतना काम कर लेते हो, थकते नहीं हो, कहाँ से इतनी एनर्जी आती है? तो डियर मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगी, आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के काम करना शुरू कीजिए, आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी, आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे पूरे दिन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं खुद को मोटिवेट रखने के लिए बार बार मैं बाहर का मौसम देखती हूँ कि अभी सूर्य नारायण नहीं निकले और उसके पहले मैंने इतना सारा काम कर लिया है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है खुद को मोटिवेट रखने के लिए। टू ऑल ऑफ यू, तो यहाँ पे देखिए श्रेय भी उठ गए हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ, शावर वगैरह ले लिया है मैंने और अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, लेकिन उसके पहले ये जो श्रेय के कपड़े हैं उसके रूम के कपड़े हटा दूंगी, उसके बाद जो है मैं पूजा करूंगी, है ना। और श्रेय इसलिए जल्दी उठ गए क्योंकि उसको होमवर्क करना है ना। क्या होमवर्क करना है? पिक्चर्स वगैरह पेस्ट करने। अच्छा, तो एक्चुअली क्या हुआ ना, प्रिंट आउट वगैरह निकलवाना था, तो हस्बैंड रात को लेट आए तो उसने होमवर्क नहीं कर पाया, तो आज वो जल्दी जाके एंड अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। अभी बजे सुबह के 7, अभी जाने में 1.5 घंटा है, तो जब तक वो होमवर्क कर लेगा, नहा धोकर रेडी भी हो जाएगा। चलो मैं अपनी पूजा करती हूँ। पूजा करने के लिए जा रही थी बट उसके पहले मुझे ये कपड़े दिखे, मैंने कहा चलो इन कपड़ों को उठा करके रख देती हूँ, क्योंकि पूजा कर रहे हैं और घर में इस तरीके से चीज़ें पड़ी रहे हैं तो वो शुभ नहीं होती हैं और अच्छा भी नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि भगवान जी हमारे घर में प्रवेश करेंगे और कपड़े इस तरीके से पड़े वो देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो नाराज़ हो जाएंगे। तो मैंने कपड़े रख दिए और पूजा करने का टाइम मुझे अभी भी नहीं था क्योंकि मुझे श्रेय का लंच बनाना था, तो आई थॉट कि चलो उसको रेडी ही कर देती हूँ, उसके बाद जो है 8 बजे ही मैं अपनी पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो मैं श्रेय के लिए लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ और आज मैं उसको लंच बॉक्स में देने वाली हूँ ये इंस्टेंट वेज पुलाव, बहुत जल्दी बन जाता है। और ये देखिए सारी सब्जियाँ डाल करके, मसाले डाले, नमक डाला और चावल डाल करके मैंने उसमें डाल दिया घी और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, 2-5 मिनट ऐसे ही भुनने देंगे सब्जियों को और चावल को, उसके बाद आपके चावल के अकॉर्डिंग आप पानी डाल दीजिए और विसल लगा करके रख दीजिए 1 विसल आने तक। अच्छा मैंने चावलों को ना आधा घंटे के लिए सोक कर लिया था, तो मुझे 1 सीटी की ही ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपने सोक नहीं किए तो आप ऑब्वियसली 2 सीटी लगाइए। और यहाँ पे श्रेय हो गए हैं रेडी, आज सैटरडे है, सैटरडे का व्लॉग है तो उन्होंने कलर्ड कपड़े पहने हैं, तो बस वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, उसको कुछ पिक्चर्स वगैरह पेस्ट करनी है, उसको समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा रुको मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ, तो बस मैं आ गई हूँ उसको हेल्प करवाने के लिए, जल्दी से उसका काम भी हो जाएगा क्योंकि अभी उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अच्छा आजकल बच्चों की पढ़ाई एकदम डिफरेंट हो गई है, जो हम पढ़ते थे तब ऐसा कुछ भी नहीं था, प्रोजेक्ट वगैरह एंड ये पिक्चर पेस्ट वगैरह इश्यू ऐसा कुछ भी नहीं था, जस्ट होमवर्क करो दैट्स इट हो गया। तो आज
आजकल बच्चों के ऊपर लोड बहुत बढ़ गया है, तो हमें भी उनकी हेल्प करवानी ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इसका पुलाव मैंने रख दिया टिफ़िन बॉक्स में, जब तक थोड़ा सा ठंडा होगा वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। और यहाँ पे आज मैं पुलाव के साथ दे रही हूँ बनाना, क्योंकि बनाना के अलावा और कोई फ्रूट्स थे नहीं। एप्पल है, बट उसको एप्पल आजकल पसंद नहीं आते हैं, तो बस यही है आज का लंच उसका। तो 8:15 बजे श्री की स्कूल वैन आ जाती है, बट आज थोड़ी सी लेट हो गई, आज 8:20 पे आई थी, तो वो जा चुका है अपने स्कूल। और उसके स्कूल जाने के बाद यहाँ पर मैं अपनी पूजा कर रही हूँ, मंदिर पे गई हूँ पूजा करने, फिर घर पे की, और अब मैं तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ और सूर्य नारायण जी को जल चढ़ा रही हूँ। एंड यस, मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि आप पूजा कैसे करते हैं, तो डियर मैंने अपना पूरा पूजा का रूटीन, जो मेरी एवरीडे पूजा है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वो व्लॉग प्लीज़ आप चेकआउट कीजिए, उस व्लॉग का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो प्लीज़ चेकआउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड यस, मैं आपको बोल रही थी मम्मी जी को अर्जेंटली मायके जाना पड़ा, क्योंकि उनके मायके में कुछ बैड इवेंट हो गया था, तो इस वजह से गमी होने के कारण वो चली गई हैं मायके, एंड वो रात को भी वहीं पर रुकी थी। अब देख रहे हैं शायद वो दोपहर या शाम तक यू नो घर रिटर्न आ जाएंगी। और यस, मुझे ठंड लग रही थी तो मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ यहाँ पे बाहर, धूप में अपनी चाय, मॉर्निंग चाय जो है इंजॉय करूँगी। इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। होप यू आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।